भारतीय रेलवे मानव गोदाम में जुआरी डेट कब से मिल रहा है? दोस्तों, आप ऊपर के ऑडियो में सुन सकते हैं कि मजदूर भाई पूछ रहा है कि हमारा ज्वाइनिंग डेट कब होगा। इसी तरह के कई कॉल मेरे पास आते हैं, कई ऑडियोस मेरे पास आते हैं, पूछते हैं। ये कई वर्षों से मुझे पूछे जा रहे हैं ये सवाल, और इसका जवाब देना है। इसका जवाब अरुण कुमार जी को देना चाहिए था, मनोरंजन जी को देना चाहिए था, या दिगंबर जी को देना चाहिए था, या अभिषेक वर्मा जी को देना चाहिए था, लेकिन मैं दे रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा, उड़ीसा में अभी हाल ही में ट्रेनिंग कराया गया। ट्रेनिंग सरकार की तरफ से हो रही थी, अथवा BRMGSS स्वयं इनिशिएटिव लेके ट्रेनिंग का बहाना कर रहा है। इसे जांचना बहुत आवश्यक है। आप लोग जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, वे भी यूनियन के लोगों को धोखा दे रहे हैं। मतलब लीडर्स तो धोखा दे ही रहे हैं, साथ ही साथ जो लोग ट्रेनिंग लिए उनके द्वारा भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि वास्तव में इनको सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दिया गया अथवा BRMGSS के लीडर्स के द्वारा ट्रेनिंग कराया गया। अगर BRMGSS के द्वारा सरकार के अनुमति के बिना ट्रेनिंग दिलाया गया, तो ये एक फेक फेक कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, फेक कारनामा किया जा रहा है। इसी तरह कई वर्षों से ये कारनामा चल रहा है, इसलिए बच के रहें और इंतज़ार करें, और अपने अपने लीडर्स को टाइट रखें, क्योंकि आपने उनको करोड़ों रुपए का चंदा दिया है और धनवान बनाया है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे यूनियन में 1004 अरबपति हैं, और अरबपति होने का मतलब ये होता है कि वो लोग अपने रुपये से कुछ भी कार्य को अंजाम दिलवा सकते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी मरवा सकते हैं। इस तरह का कांड पहले हुआ है। BRMGSS के लीडर्स ने अपने ही लीडर भाई को मरवा दिया, क्योंकि वो लोग एक्सपोज करना चाहते थे। जैसा कि अभी हाल ही में विपक्षी नेता श्री राहुल गांधी ने एक बहुत बड़े मुद्दा को उठाया, उन्होंने महाभारत की कहानी को बताते हुए कहा कि कैसे अभिमन्यु जी का वध 6 लोगों के द्वारा किया गया था। उसी तरह भारत में 6 लोगों के द्वारा चक्रव्यूह रचकर अब राहुल गांधी का भी हत्या करने की साजिश की जा रही है। आप न्यूज़ में देख सकते हैं, इससे पूर्व उनके दादी जी की हत्या हुई, फिर उसके बाद उनके पिताजी का भी हत्या हुआ। इसी तरह BRMGSS में भी अभिमन्यु का वध करने के लिए कभी ट्रेनिंग का खेल खेला जाता है, कभी लिंक का खेल खेला जाता है, और कभी अन्य कई तरह के शिफ्टिंग का खेल खेला जाता है। आप देखे हैं कि डुप्लीकेट शिफ्टिंग भी हुआ है हमारे यूनियन में। इस तरह का चक्रव्यूह रचकर लोगों को किस ओर ले जा रहा है हमारा यूनियन, आप समझ सकते हैं। क्योंकि अमीर होने के बाद इंसान अपना वास्तविक इंसानियत को खो देता है। आप देख रहे हैं भारत में जितने भी अरबपति हैं, खरबपति हैं, वो अपना इंसानियत, जिसको ह्यूमैनिटी कहते हैं, वो भूल चुका होता है। जैसा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चक्रव्यूह रचकर भारत की जनता के को बेरोजगार बनाया जा रहा है, चक्रव्यूह रचकर अग्निवीर के नौजवानों को 4 साल के बाद बेरोजगारी की ओर धकेल रहा है, कई एग्ज़ाम हो रहे हैं, घोटाला किए जा रहे हैं, एग्ज़ाम लीक पेपर लीक के माध्यम से घोटाला हो रहे हैं, आप सब चीज़ को देख रहे हैं। उसी तरह BRMGSS में भी चक्रव्यूह रचा जा रहा है। इसे ध्यान से सोचें समझें, ऐसे बुद्धिजीवी प्राणी के रूप में सोचें समझें। वो मेरे जान का भी खतरा है, इसके बावजूद भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। जितने भी कई यूट्यूबर बीते 26 साल के अंदर उत्पन्न हुए, और आज वो लोग इस दुनिया में नहीं हैं। यूट्यूबर लोगों को भी धमकियाँ मिली है BRMGSS में, यूट्यूबर को भी धमकियाँ मिल के, हो सकता है उनको मारा भी गया हो। तो यूनियन लीडर ही अन्य लीडर्स की हत्या इसमें हुआ है BRMGSS में। इसलिए आप लोग सावधान रहें और अपने देश की रक्षा करें। जैसा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं, 6 लोगों का उन्होंने नाम लिया था कि चक्रव्यूह में कौन कौन लोग भारत की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनमें से अमित शाह जी थे, है ना, अमित शाह, और मोदी जी का उन्होंने नाम लिया, साथ ही साथ अडानी अंबानी का नाम लिया, और 2 व्यक्तियों का उन्होंने नाम लिया। ये 6 व्यक्ति ही हैं जो भारत में एक ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं जो भारत की जनता को भूखा, नंगा, बेघर बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, इसलिए इस यूनियन से थोड़ा सा सावधान रहें, विशेषकर जो लोग ट्रेनिंग लिए हैं उनसे भी सावधान रहें, क्योंकि वो लोग जो लोग ट्रेनिंग लिए हैं वो लोग भी अपने मजदूर साथियों का साथ नहीं दे रहे हैं। वो लोग सूचना को अच्छी तरह से पेश नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग बता ही नहीं रहे हैं कि इनको फेक ट्रेनिंग दिलाया गया। जैसा कि फेक शिफ्टिंग हुआ था उधर पंजाब में, और इधर आसाम में और उड़ीसा में फेक शिफ्टिंग भी हुआ है इससे पहले, उसी तरह फेक ट्रेनिंग देने में क्या है? ट्रेनिंग के नाम पर ट्रेनिंग देकर मीडिया के माध्यम से उसे प्रचार प्रसार करके चंदा उगाही का कार्य को ये लोग अंजाम देते हैं। इसलिए संभल कर चलें। अभी अभी डेट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि कल का जो बजट, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कल का जो रेलवे बजट हुआ, उसमें हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने लेबर्स के बारे में या रेलवे मालगोदाम के बारे में कुछ भी ऐसा
वक्तव्य नहीं दिए। इसका मतलब जो भी पॉलिसी हमें दिया गया है वो वास्तव में सही पॉलिसी नहीं हो सकता। अगर सरकार का अप्रूवल पॉलिसी नहीं है, वो हो सकता है अपने हाथ से बनाई हुई कोई पॉलिसी हो। इसका जांच करने का जिम्मेदारी BRMGSS के हर मजदूर, हर सरदार, हर मुंशी, हर एंसिलरी और विशेषकर सभी मीडिया का कर्तव्य है। बिना देखे हवा में तीर छोड़ना हम मीडिया को शोभा नहीं देता है। थैंक यू। অনেক রকম সমস্যা, অনেক রকম প্রবলেম সম্মুখীন হতে হচ্ছে, কিন্তু ষড়যন্ত্র করছে, আমাদের খুন করে দেবে, মার্ডার করে দেবে, ভয় পাই না। লড়াইটা করছি শ্রমিকের, প্রত্যেকটা গ্রেটফুল সর্দার, আমার গুরি মানুষ। আমরা বাই হার্ট কাজটা করেছি, আমরা কাউকে চিটিং করিনি। আর আজকে একটা বার্তা দিয়ে যাচ্ছি শানুবাবুর নেতৃত্বে, বলে যাচ্ছি আপনাদের কাজটা করে দেওয়ার পর চাটা আমি আর শানুবাবু আপনাদের খাওয়াবো, একটা চা খাওয়ারও টাকা নেবো না, একটা টাকা বিনা Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.